आप क्या करते हैं? आपका नाम बताइए और थोड़ा आप बताइए। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। जो का आइडिया जब हम लोग पहले बार किए थे हम लोग ने गोवा में, हम मेरे को और शम्स को आइडिया मिला था ऐसा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश कर रहे थे हम लोग ये कैसे करते हैं कैसे कर नहीं करते। और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग आगे जा सकते हैं तो और भी बच्चे आगे आ सकते हैं हम लोग के जैसे। आप बताइए, आपको क्यों लगा कि इस तरह का शो करना चाहिए? इतनी कम उम्र में कोई शो नहीं करता, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आप लोगों ने बाहर देखा होगा कि दूसरे लोग कोई टिकटॉक बनाता है, कोई डांस करता है, तो उन लोग के पास प्लेटफॉर्म नहीं रहते, तो उन लोग अपना टैलेंट शो नहीं कर पाते। तो उन लोग को अपना टैलेंट शो करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उन्होंने शो करने का डिसाइड करा। मम्मी डैडी का उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिला और हम लोग ये आखिर में ये शो करने वाले हैं। आप गोवा में गए थे जहाँ पर आपने बताया जैसे कि वहाँ पर आपने कुछ ऐसा कुछ देखा कि वो शो में मत कुछ ना कुछ हुआ और उसके वजह से आपने ये शो करना, ऐसा क्या आपको खराब लगा उस शो में? वो शो में खराबी तो कोई नहीं। आप बताइए मैम, कितना सहयोग है आप लोगों का अपने बच्चों के लिए? जी जी लाके आगे बाय है, लंबा है, ले लो यार। उनकी तरफ से तो पूरा सपोर्ट है हमारे बच्चों को। और क्या क्या होने वाला है, क्या आप लोग का मतलब क्या क्या होने, इसके अंदर नो एज लिमिट है क्या क्या होने? एज की कोई लिमिट नहीं है इस पर, जैसे कि 4 इयर्स के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, जैसे 5 इयर्स तक कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको क्या लगा ऐसा कि बच्चों ने कहा और आपने मान लिया तुरंत बात की हां ऐसा होना चाहिए? ये चीज में कोई हमें कोई ऐसा मैं कहूंगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, और ये दोनों बच्चे उन बच्चों को मुड़ मुड़ करके देख रहे थे कि ये बच्चों के जिम्मे ऐसा था कि ये बच्चों को अवसर कम मिलेगा करके, मैं ये चीज क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने मैडम से ये माइक लिया। बच्चे सर इधर जीत करते सर, आप हर बात बाप माँ बाप मानते हैं बच्चे, आपने कैसे मान ली इसकी? क्योंकि इनकी चीज जायज थी और हमारे अंदर वो जिज्ञासा है कि सबको अवसर मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं कि जो टैलेंटेड है लेकिन उनको अवसर नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको यह अवसर देना चाहते हैं कि हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है और कोई ऑडिशन नहीं है। ये गली गज जो प्लेटफॉर्म है आपने शुरुआत किया, कब से स्टार्ट होगा ये? इसकी शुरुआत कब से? अगले महीने से होगा, इसीलिए तो आज इसीलिए तो हम आपको बुलाए, आमंत्रित किया। ये नया प्लेटफॉर्म है? जी जी बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म। आप बच्चों से कि हमें ऐसा ऐसा मतलब करना है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, तो आपका रिएक्शन क्या था और आपने किस तरीके से इसे हैंडल किया? ये चीज़ हमें गोवा में ही थोड़ा हम लोगों को सबको दोनों को डाउट हो गया था कि शायद हमारे बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो हमारे बच्चों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन था, वहाँ से आने के बाद हमें काफ़ी वो कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों के अंदर ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये चीज़ में कोई बुराई है। क्योंकि ये एक फैशन शो है लेकिन एक फैमिली में जो एक हर एक इंसान के अंदर एक स्टार जो छुपा होता है, उनको एक निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसेस होगा मैम? रजिस्ट्रेशन इसमें फ्री है। क्या प्रोसेस है उसका? हाँ, हमारी लिंक है, ये जो आपको जो पीछे सारी चीज़ें दिखाई दे रही है ये सारी लिंक है उसमें। ये हमारा जो भी है मेल आई डी है, व्हाट्सअप नंबर है, जो भी है सारा उस पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। हाँ जी, वो सब हो जाएगा। मुंबई में कहाँ से किया जाएगा? मुंबई से ही, फर्स्ट सीजन मुंबई से किया जाएगा। मुंबई में अभी फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे। मैडम, जो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हाँ जी, जो इस प्लेटफॉर्म में आएंगे, जो बच्चे हो या किसी भी उम्र के लोग हैं, तो उनको कौन से बॉलीवुड में उनको चांस दिया जाएगा यार? कहाँ पे क्या है, किस तरह से प्रोडक्शन हाउस है? प्रिया फिल्म सिनेविजन हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें तो दो गाने हैं, उसके पिक्चर है, जो भी होगा वो उसके अंदर हम चांस देंगे उनको, जो विनर रहे। आपके प्रोडक्शन फिल्म में बनी है? हाँ बनी है, अभी तक उसको ये नहीं किया है, तो हम ये विनर के इंतजार में है। ये विनर जब भी ये हो जाएंगे, हमारा सीजन खत्म हो जाएगा, वो विनर को लेके हम उसको कंप्लीट करेंगे। कितने बच्चे रहे हैं? स्टार्टिंग में अभी 40 ही है, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों को लेना नहीं चाहते कि हम भी उसको हैंडल कर सकें। 40 बच्चों से ऊपर हम लोग, अगर ऊपर होते भी है रजिस्ट्रेशन, तो हम नेक्स्ट सीजन में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए चांस देंगे। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ होने वाला है ये? ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, लेकिन प्लेसेस
कौन से रहेंगे? गुजरात, यूपी, एमपी, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, हर जगह पे कर रहे, कोशिश हर जगह पे। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनको किस तरह से प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्या प्लेटफॉर्म? यही हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है, सबसे पहला तो हम उसमें ही चांस देंगे हमारे बच्चों को। उसके अलावा? उसके अलावा देखते हैं किसके अंदर क्या टैलेंट है, कौन क्या कर सकता है। हमने सुना कि सलमान खान को आप कुछ उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए उनको कुछ चुनौती देने वाले, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कौन बोला ये बात, ऐसे हमें खबर मिली है। नहीं नहीं नहीं, हम कौन होते सलमान खान जी को हम सबको ये चुनौती दे सके करके। बिग बॉस जैसे शो के नहीं, बिग बॉस की इसमें बात ही नहीं आती ना। बिग बॉस जो एक पूरा अलग वो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट एक पूरा अलग है, क्योंकि हम तो फैशन शो कर रहे हैं, वो तो कोई है ही नहीं इसमें कोई उनके सलमान खान के किसी के भी बात नहीं। हर किसी के अंदर अपना अपना टैलेंट होता है, हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखाता है, तो हम हमारी तरीके से कर रही है। हाँ, इतना है कि कोई भी रियलिटी शो जैसे होता है वो 30 days 40 days या एक टाइम लेता है, टाइम पीरियड होता है, बस हमारा फैशन शो जो है वो 3 days या 4 days के लिए है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि बच्चे की स्कूलें चालू है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है सबकी, कि किसी की स्टडी खराब ना हो, इसको सबसे ज़्यादा मायने रखते हुए हम इसको शो को ऑर्गेनाइज करते हैं। मैडम, ये पता है कि बॉलीवुड के बिग सेलिब्रिटी इसका सपोर्ट करेंगे? सॉरी, मैं नहीं समझी। जो सेलिब्रिटी है बॉलीवुड के, जो एक्टर्स है, स्टार्स लोग है, वो इसका सपोर्ट करेंगे? हाँ, करेंगे। इसको अभी हम लोग ने सरप्राइज रखा हुआ है, इसको हम जरूर अनाउंस करेंगे। जो है वो जजेस बनेंगे, जो भी जूरी जो भी रहेंगे, इसमें से दो सेलिब्रेट रहेंगे, सेलिब्रेशन रहेंगे, और अपने एक कोई भी पॉलिटिशियन रहेंगे। देश के मेगा सिटी से कहीं से भी आ सकते हैं, कोई इसमें कुछ लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं। अरे कौन सा क्लब का दिख रहा है? प्रेसिडेंट हूँ एक्चुअली, संत राठौर जी अंडर 11 क्रिकेट खेलता है, इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, बैटिंग बॉलिंग अच्छा करता है। हमारे तरफ से शुभकामना है कि बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छा क्रिकेट है, इज अ वेरी गुड पर्सन, बैटिंग बॉलिंग। आपको क्या लगता है कि वो क्रिकेटर बनेगा या एक्टर? एक्चुअली बोथ, क्रिकेट तो उसका बहुत अच्छा है, इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वेरी टेक्निकली। अगर आजकल तो सारे क्रिकेटर है, पर्दे पे आती है, एडवर्टाइज में आते हैं, फिल्म लाइन में भी थोड़े काम करते हैं आजकल, उन लोग से अच्छा है। शुभकामनाएं हमारे मारिया स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। आपके नए शो के लिए, आप इस शो के बारे में आप दोनों बताइए। ये शो अभी नया नया है, इसको स्टार्टिंग में थोड़ा वो सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग के लिए अच्छा है, तो बस हो गया। आप बताइए किस तरह का शो होगा ये और क्या होगा, क्या खासियत होगी? ये शो में 3 तरीके के प्रोसेस होंगे, पहला होगा पूल पार्टी, दूसरा होगा टैलेंट फेस्टिवल और तीसरा होगा रैंप वॉक। और ये तीनों फेस्टिवल में हम लोगों को हमारे मम्मी डैडी का सपोर्ट चाहिए, और उसकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सपोर्ट रहेगा तो ये लोग कर पाएंगे। आप दोनों कहाँ कहाँ से, जो कंटेस्टेंट होंगे वो कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, उसके बारे में आप बताएं। ये जो चीज़ें हैं ये ना ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो रही है, तो ये स्प्रेड होगी तो अपने आप जो टैलेंटेड पीपल है वो लोग अपने आप आएंगे। कहाँ से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया, आप क्यों माइंड में आया? हम लोग जब गोवा में फर्स्ट टाइम करने गए थे तो वहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग के ब्रेन में आया। हम लोग ने ये देखा कि वहाँ पर सब लोग ना अपना टैलेंट दिखा रहे, तो हम लोग को बहुत बात अच्छी लगी, तो हम लोग ने मम्मी डैडी का सपोर्ट लेते हुए ये शो को इधर तक लाया है। गोवा में ऐसा क्या वाक्य हुआ कि आपके माइंड में ये आया, क्या कुछ आपको तिरस्कार मिला, आपको धक्के दिए, या फिर आपको वो कहा कि वाकई टैलेंटेड हो, क्या हुआ था ऐसा गोवा में ऐसा क्या हुआ था? उधर सबका टैलेंट बाहर आया था, उधर हम लोग का भी टैलेंट बाहर आया था, और उस वजह से जो ना एक एक करके सारे पीपल विन हुए थे, कोई ऐसा नहीं था जिसका टैलेंट बाहर नहीं आया, सारे पीपल विन हुए थे, तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड करा कि ये टाइम हम लोग भी रखेंगे और हम लोग भी ट्राई करेंगे इसको कितना वो मिल रहा है। जो कंटेस्टेंट हो गए उसको ग्रूमिंग कैसे करेंगे, मतलब आप लोग मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये होगा, तो आपके पास इतने एक्सपेंसेस, इतना कैपिटल कहाँ से आएगा, मतलब वो कौन मैनेज करेगा? वो
हाँ सर, आप सर सर कैसे करेंगे सर? कि हमारे पास जो है अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिनके सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे योगा फिटनेस हो गए, कोरियोग्राफर होगा हमारे पास, फैशन डिज़ाइनर हो गए, रैम वॉकिंग एक्सपर्ट्स हो गए, तो वो सारे बच्चों को ग्रूम करके 3 दिन का शो इसीलिए रखा है कि सुबह 7 से लेकर के शाम को 4 बजे तक हम अलग अलग फील्ड के अंदर उनको ट्रेन करेंगे। सर बात यही थी, इनका सवाल ये था कि उनको जैसे कोई ग्रूमिंग करने जो भी आएंगे, जो भी कोच रहेंगे सर, शायद सर क्यों नो सर फ्री में तो आएंगे नहीं, सेवा करना पड़ेगा नहीं, तो वो जो पैसे हैं वो कैसे आप, क्योंकि आप पर्सनल फीस नहीं है, कोई सर भरेंगे ना मैम, कैसे क्या है? ये हमारे मैडम जो है अपने सोर्सेज से कर रही है। जी हम हमारे सोर्सेज से करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज है। Definitely everything will come clearly. जब कौन सी डेट होंगे? Exactly everything will be advertised. अभी आप हम एडवरटाइज करना चाहते हैं? अभी हम लोग एडवरटाइज, अभी हम संदेश देना चाहते हैं। सर ये टैलेंट में सब ट्रेंड हो गया, सिर्फ फैशन की बात कर रहे हो आप? क्यों रैम वॉक लिखा है सर, लिखा है सिर्फ फैशन की बात होगी? फैशन के अंदर, लेकिन फैशन जो रिप्रेजेंट करेगा पार्टिसिपेंट वो रैम के ऊपर ही वॉक करेगा ना। रैम वही ना सर, बट टैलेंट वही खाली, बाकी कोई टैलेंट नहीं। मैम आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में कुछ बताइए सर, अच्छे से बताइए। लॉन्च की थी रोमियो की, लेकिन कोविड के वजह से वो फिल्म वहीं पर रुक गई, और समय जो है ना कोई ऐसे संयोग नहीं है कि हम लोग उस फिल्म को आगे बढ़ा सके। तो इन द मीन टाइम हम एक टैलेंट शो रख रहे हैं। मैडम बाय द वे, जैसा ये अभी जो लोग हैं जिनके अलावा और भी कोई आना चाहते हैं, आप उसको कैसे कवर करोगे, किस तरह से प्रोग्राम को बताएंगे? आप सारा रिले होगा यही संदेश देना चाह रहे हैं ना सर, हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग है, हम खाली ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम लोग अभी आपके समक्ष है, और मजीद आपको अगर कोई इसके बारे में संदर्भ में अगर आपको कोई इच्छा है जानने की, हमारी वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। सक्सेसफुल भी होते हैं, क्या आपको लगता है की गली गाइस के प्लेटफॉर्म को वो चुनकर लाखों लोग ऑडिशन देने के लिए आते हैं और लोग ऑडिशन देते भी है, क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बनेगा? हम हमारे तरीके से पूरी कोशिश करेंगे। हर इंसान का पहला स्टेज हर इंसान का होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो, एक पहला स्टेज जब तक पढ़ाएंगे नहीं एंड तक इंसान पहुँच सकता है, तो हमारा भी ये पहला ही स्टेज है। आप लोगों की सपोर्ट से हम भी यही चाहेंगे कि हम आगे तक जाएँ। आपकी शो का कोई ब्रांड एम्बेसडर होगा या आपके बगैर हम एक कदम भी नहीं बढ़ सकते, बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यही संदेश देना चाहते हैं, ये हम लोग लॉन्च किए हैं बस, और कुछ नहीं इसके आगे। भाई आप फिल्म में शूटिंग में जाते हैं तो मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त के अंदर आपको हर चीज नहीं दिखाई जाती है। लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं कि लोग आपके वेबसाइट पे जाए या आपके आप तक पहुँचे, क्या कहोगे? हम लोग ये करेंगे, हम लोग ना पूरी जगह पे स्प्रेड कर देंगे खबर को, तो जैसे जैसे पीपल्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ही गाइस एक अलग प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे। थैंक यू।